हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस टेस्ट मैच से एक धाकड़ खिलाड़ी बाहर हो सकता है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मैच 9 मार्च से खेला जाएगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है, लेकिन इस मैच से पहले एक बुरी खबर सामने आ रही है। चौथे टेस्ट मैच से पहले एक बड़ा मैच विनर खिलाड़ी बाहर हो सकता है। यह खिलाड़ी सीरीज के तीसरे टेस्ट से भी बाहर हो गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस के बारे में, जो अपने देश लौट गए थे। पैट कमिंस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के बाद से ही बीमार माँ को देखने के लिए सिडनी गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो पैट कमिंस सिडनी में ठहरने वाले हैं। ऐसे में पैट कमिंस बाहर हो सकते हैं। पैट कमिंस के स्वदेश वापस लौटने के बाद तीसरे टेस्ट मैच में स्मिथ को कप्तान बनाया गया था। ऐसे में आखिरी मैच में भी स्टीव स्मिथ कप्तानी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने पैट कमिंस पर अपडेट देते हुए कहा कि कठिन समय में हमारे विचार अभी भी उनके और उसके परिवार के साथ हैं। हम रोजाना उनसे लगातार संपर्क में हैं। तीसरे टेस्ट के बाद स्टीव स्मिथ ने कहा कि मेरा समय पूरा हो चुका है, अब यह पैट कमिंस की टीम है। दोस्तों, लेकिन पैट कमिंस वापस भारत नहीं आते हैं तो स्टीव स्मिथ कप्तानी कर सकते हैं। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीसरा टेस्ट मैच 9 विकेट से जीता था। इससे पहले स्टीव स्मिथ ने साल 2014 से 2018 तक ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी की थी। इसके बाद वनडे सीरीज का भी आगाज होने वाला है, जिसमें देखना है कि कौन सा टीम भारी पड़ता है। दोस्तों, चौथा टेस्ट मैच किसी फाइनल मैच से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत 2-0 से आगे है, लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के